रिचा किचन पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट भेलपूरी। इस तरीके से अगर आप भेलपूरी बनाएंगे तो आपकी भेलपूरी लास्ट बाइट तक बिल्कुल करारी रहेगी। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वैसे भेलपूरी बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी भेलपूरी बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भेलपूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये उबला हुआ एक आलू लिया है मीडियम साइज़ का और जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है। आप देख सकते हैं आपको कुछ इस साइज़ में कट करना है। ज़्यादा बड़ा साइज़ आप ना करें, उससे टेस्ट बिगड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि हर बाइट में आलू आएगा, जिससे भेलपूरी का जो टेस्ट होगा ना बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ उबला हुआ आलू डाला है और इसके बाद हम डालेंगे ये चॉप की हुई प्याज। आप प्याज भी देख सकते हैं कितनी फाइनली चॉप की है मैंने। तो हम इसमें मीडियम साइज़ की एक प्याज भी ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने लिया है ये हरा धनिया जिसको बारीक कट कर लिया है। तो हम अभी थोड़ा सा इसमें ऐसे ही डाल देंगे, थोड़ा सा बाद में हम गार्निशिंग पर डालेंगे। और दो चुटकी डालेंगे हम काला नमक। तो ये काला नमक मैंने केवल इन आलू और प्याज के अकॉर्डिंग ही डाला है, क्योंकि हम अभी इसमें नमकीन भी ऐड करेंगे और नमकीन में नमक ऑलरेडी होता है। तो इनको केवल नमकीन करने के लिए ही मैंने काला नमक यूज़ किया है और एक फ्लेवर भी आएगा उसका। और तीखेपन के लिए हम केवल इस के हिसाब से ही तीखापन करेंगे। तो ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ ये मोमोज़ की चटनी भी लगा सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप यहाँ चिली फ्लेक्स भी लगा सकते हैं। बस भूलकर भी आप इसमें लाल मिर्च ऐड ना करें, चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ इसके अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि मोमोज़ की चटनी बनाना की कैसे बनती है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और ये है हरे धनिए की चटनी, इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। और थोड़ा सा हम इसे यहाँ ऐड करेंगे। अब इन सबको मिक्स करेंगे। अब ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस तरीके से भेलपूरी बनाएंगे तो आपकी भेलपूरी लास्ट वाइट तक करारी रहेगी, बहुत ज़्यादा क्रंची रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला यहाँ पर रेडी हो गया है, अब बारी आती है इसमें चिरवे डालने की। तो यहाँ मैंने ये इन जो है रेडीमेड चिरवे ले लिए हैं। वैसे अगर आप बाज़ार से चिरवे लाएंगे तो आप उनको ड्राई रोस्ट वगैरह भी करोगे, तो यहाँ हम इंस्टेंट भेलपूरी बना रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड चिरवे लिए हैं। तो यहाँ पर तो इनको चिरवे ही बोलते हैं, आप बताइए कि आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ मैंने एक पाउच डाल दिया है, जिस भी कंपनी का आपके शहर में आता हो आप ले सकते हैं मिक्स भेल के नाम से। और दूसरा है ये नवरत्न का, तो इसको डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये एक साल्टेड वाला पीनट्स आता है, एक मसाला क्रंच आता है, तो आप चाहे कोई भी लगा सकते हैं। वैसे मैं यहाँ ये अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसमें और भी नमकीन ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने ये चटनी वाले सेब ले रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन ये बड़ा पाउच है इसे मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी। तो इसमें हम थोड़े से ऐड कर देंगे, ये देखिए। और एक पाउच हम ऐड करेंगे भुजिया का। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन वाली भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं, ये आलू भुजिया है। तो ये देखिए हमारी इंस्टेंट भेल बिल्कुल रेडी है, बस मिक्स कीजिए और इसको खाना शुरू कीजिए। जब तक आप खाएंगे इसको लास्ट बाइट तक ये करारी ही रहेगी। ये देखिए आपकी भेलपूरी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे सर्व भी कर लेते हैं।
अब इसमें आप ऊपर से डालिए नींबू और थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया पत्ता और आपकी बिल्कुल बाजार जैसी भेलपूरी रेडी है कुछ ही मिनटों में। ये देखिए, तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।